आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के खंड में हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी से संबंधित 1 से 9 सितंबर 2020 के भाग दो का वीडियो देखेंगे। हमारे इस साप्ताहिक घटनाक्रम के इस वीडियो के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रमुख है, प्रथम घटना है संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन, वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा, विश्व नारियल दिवस, मिशन कर्मयोगी, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, स्वनिधि संवाद, वाईएसआर संपूर्ण पोषण योजना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, कामत पैनल। तो यह हमारे आज के वीडियो की प्रमुख सूची है, जिस पर जिससे संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। पहली घटना थी संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसे इसकी मेज़बानी इस बार भारत के द्वारा की जाएगी। भारत मध्य एशियाई क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने तथा SCO के साथ अपने सहयोग का विस्तार करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जो भारत से संबंधित है। भारत मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को और विस्तारित करने के साथ साथ उसे प्रगाढ़ करना चाहता है, जिसके कारण भारत ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लागू की है। यह जो पॉलिसी है, यह चार आधारों पर या 4C पर आधारित है। इसमें है कॉमर्स, कॉन्सुलर, कनेक्टिविटी और कम्युनिटी। यह नीति मुख्यतः किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे 5 मध्य एशियाई देशों पर केंद्रित है। आखिर भारत मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ और विस्तार क्यों करना चाहता है? तो इसका प्रमुख कारण है कि भारत मध्य एशिया में पाए जाने वाले यूरेनियम, तेल और गैस के साथ, गैस से समृद्ध इन देशों के साथ ऊर्जा सुरक्षा, यानी भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग करना चाहता है और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। भारत ने कजाकिस्तान के साथ में परमाणु समझौता तथा ताजिकिस्तान के साथ में तापी गैस पाइपलाइन, जिसमें कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, इस के माध्यम से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के माध्यम से ही भारत ने इन देशों के साथ में विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत का एकमात्र विदेशी हवाई अड्डा जो है वह फारखोर ताजिकिस्तान में स्थित है। यद्यपि मध्य पूर्व के साथ में भारत के बढ़ते संबंधों में कुछ चिंताएं भी हैं कि इस क्षेत्र में जो प्रमुख चिंता है वह है गोल्डन क्रिसेंट की, जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में स्थित है। गोल्डन क्रिसेंट जो है एक अस्थिर क्षेत्र है, जहां विभिन्न आतंकवादी संगठन अपना अड्डा बना करके वहां पर वह रहते हैं और नशीले पदार्थों के साथ साथ हथियारों की तस्करी में वो वहां पर संलग्न है। आगे देखते हैं वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता प्रमुख बिंदु क्या है। तो इसका शुभारंभ जो है वह केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण प्रबंधन के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। इस प्रतियोगिता के बारे में देखते हैं कि जल संरक्षण के बारे में लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्रविष्टियों को आमंत्रित किया जाएगा। इन प्रविष्टियों के द्वारा 300 शब्दों के अंतर्गत लिखने के साथ साथ, यानी आप 300 शब्दों के निबंध लिखने के साथ साथ 1 से 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से इन कहानियों को साझा किया जाएगा। 10 प्रविष्टियों को पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा तथा पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार
प्रत्येक प्रतिभागी को प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के परिणामों की घोषणा की है। इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं भारत के संदर्भ में। तो 2021 रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में कोई भी शीर्ष 300 में अपना स्थान नहीं बना सका। अब देखते हैं विश्व से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालयों को। तो शीर्ष स्थान जो है वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन को हासिल हुआ है। उसके पश्चात स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। वहीं चीन का सिन्हुआ विश्वविद्यालय शीर्ष 20 में जगह बनाने वाला एकमात्र एशियाई विश्वविद्यालय है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा विश्व की कौन सा शैक्षिक संस्थान शीर्ष स्थान पर है। तो पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसके पश्चात टाइम्स हायर एजुकेशन में शीर्ष 20 में जगह बनाने वाला पहला एशियाई विश्वविद्यालय या एकमात्र एशियाई विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सिन्हुआ विश्वविद्यालय चीन। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर जैव विविधता परिषद। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना का आदेश जारी कर दिया है। इसकी अध्यक्षता जो है जैव विविधता परिषद की जो अध्यक्षता होगी वह मुख्य वन संरक्षक के द्वारा की जाएगी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 गैर आधिकारिक सदस्यों सहित 10 सदस्य शामिल होंगे। इनका कार्य क्या होगा? तो केंद्र शासित प्रदेश में जैविक विविधता के संरक्षण की देखभाल करना और वहां केंद्र शासित प्रदेशों के घटकों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। इसके गैर आधिकारिक सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष का भी इसके द्वारा गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के विषय में। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कैसा निकाय है? तो वैधानिक स्वायत्त निकाय है। किसके अंतर्गत? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की वह 2003 में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है। जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन है 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हाल ही में इसे जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन थे? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या वाइपो द्वारा कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिड बिजनेस स्कूल के सहयोग से इसे जारी किया गया है। पहली बार इस रैंकिंग में भारत को शीर्ष 50 देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। यह एक गौर करने वाली बात है कि जब से यह रैंकिंग जारी की जा रही है तब से लेकर आज तक भारत को पहली बार शीर्ष 50 देशों में स्थान इस बार मिला है। तो 2019 में भारत 52वें स्थान पर था और भारत जो है मध्य और दक्षिण एशियाई देशों के बीच शीर्ष स्थान पर है। इस बार के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो थीम है वह है हु विल फाइनेंस इनोवेशन। थीम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इसके पश्चात है मुख्य बिंदु विश्व से संबंधित। तो शीर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड का स्थान आता है। वहीं हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार कितना है? तो 48वें स्थान पर भारत इस बार आया है। वहीं 2019 में भारत का रैंक 52वां था। तीसरा सबसे इनोवेटिव निम्न मध्यम आय वाला देश कौन है? भारत। वहीं निम्न मध्यम आय वाला देश होने के बावजूद भारत शीर्ष 50 में शामिल है।
आगे देखते हैं आय समूह। यहाँ जो आय समूह बांटा गया, निम्न मध्यम आय समूह जो हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे कि निम्न मध्यम आय वाले देश होने के बावजूद भारत शीर्ष 50 में शामिल है, तो यह आय समूह का आय समूह को किस प्रकार से बांटा गया है देख लेते हैं। आय समूह के विषय में तो विश्व बैंक के द्वारा अमरीकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो निम्न आय वाले देश को 1025 डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर निम्न आय वाले देश के रूप में रखा जाता है। वहीं निम्न मध्यम आय वाले देशों में 1026 डॉलर से लेकर 3995 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। ऊपरी मध्यम आय वाले देश में 3996 डॉलर से लेकर 12375 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वहीं उच्च आय वाले देशों में 12376 डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। तो यहाँ यह दो महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रथम है कि विश्व बैंक के द्वारा अमरीकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का आय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ दो प्रश्न बनते हैं, तो निम्न आय वाले देश कौन होंगे, तो 1025 डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देश जो होंगे वह निम्न आय वाले देश होंगे, और उच्च आय वाले देश 12376 डॉलर से अधिक जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होगी वैसी अर्थव्यवस्था उच्च आय वाले देश कहलाएंगे। आगे देखते हैं जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर भाषा विधेयक 2020 क्या जम्मू और कश्मीर भाषा विधेयक 2020 को पारित किया। इस विधेयक में 5 भाषाओं कौन कौन सी, तो उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी गई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जम्मू और कश्मीर भाषा विधेयक 2020 के द्वारा 5 भाषाओं, फिर से सुनिए, उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह प्रश्न मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पूछा था कि सिंधी जो है अभी तक किसी राज्य में एक आधिकारिक भाषा नहीं है, हालांकि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह प्रश्न मेरा था कि 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भारतीय भाषा किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंधी। आगे देखते हैं इससे क्या प्रावधान है भाषा से संबंधित, तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, यानी संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी हमारी, तो देवनागरी, तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों का उपयोग किया जाएगा। हिंदी के साथ साथ हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंकों का हम उपयोग करेंगे। वहीं 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात देखते हैं संसदीय कार्रवाई जो है वह हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। वहीं न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। यद्य उल्लेखनीय तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्रवाई जो है वह अंग्रेजी में होगी, हालांकि कुछ उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रपति से सहमति के बाद हिंदी का विकल्प प्राप्त कर लिया है। इसमें शामिल है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इसके अतिरिक्त संसद के द्वारा पास कानून इसे बदलने की शक्तियां हैं, संसद के पास इसे कानून द्वारा बदलने की भी शक्तियां हैं। आगे देखते हैं विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया, 2 सितंबर को। थीम क्या था, दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। नारियल की उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ मानी गई है, मेलानेशिया से मानी गई है जो कि आधुनिक इंडोनेशिया का क्षेत्र है। यह दिन 2009 में स्थापित किया गया था, प्रथम बार विश्व नारियल दिवस 2009 में स्थापित या मनाया गया था।
क्यों? तो APCC के गठन की स्मृति में इस दिवस को मनाया गया था, या एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय के गठन की स्मृति में इस विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है। एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 18 सदस्यों की संख्या है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नारियल विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में इस एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय का मुख्यालय है। आगे देखते हैं मिशन कर्म योगी प्रमुख बिंदु क्या है। तो 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्म योगी नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण को मंजूरी दी है। योजना की अवधि कब से कब तक है? 2020-21 से 2024 और 25 के मध्य इस योजना की अवधि है। इसके लिए 510 करोड़ रुपए का वित्त का प्रावधान किया गया है। इस मिशन को निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो पहला है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद का स्थापना किया जाएगा। वहीं एक क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया जाएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई का भी एक गठन किया जाएगा। वहीं डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व और संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन करने का भी प्रावधान इस मिशन के अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं इस कार्यक्रम की या मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं कि सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए नींव रखने के लिए इस मिशन को बनाया गया है। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों के बीच भारतीय संस्कृति मूल्यों और संवेदनाओं को बढ़ाएगा, यानी सिविल सेवकों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों से अवगत कराएगा तथा इससे उनकी संवेदनाओं को भी बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए IGOT कर्मयोगी मंच स्थापित किया जाएगा। IGOT का आशय है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यह ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। IGOT का आशय क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस कार्यक्रम यह जो कार्यक्रम है मिशन कर्मयोगी, इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। ऑन साइट सीखने पर यह जोर देता है। इसके पश्चात है मानव संसाधन प्रबंधन के लिए नियम आधारित से लेकर से भूमिकाओं पर आधारित परिवर्तन का यह समर्थन करता है। इसके पश्चात है कि साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, सिविल सेवा पदों को जांचना, वहीं सिविल सेवकों को उनके व्यवहार और कार्यात्मक डोमेन दक्षताओं को और मजबूत करने के अवसर उपलब्ध करवाना, वेस्ट इन क्लास कंटेंट क्रिएटर के साथ साझेदारी करना, इसमें स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान और व्यक्तिगत विशेषज्ञ शामिल हैं। आगे देखते हैं रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या है। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके? हाल ही में IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए विकसित यह एक अवैध सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है मुख्य रूप से टिकट बुकिंग एजेंट के द्वारा अवैध तरीके से टिकट बुक करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टिकट बुकिंग एजेंट है वह कई ID के माध्यम से IRCTC सर्वर में लॉगिन करता है तथा सॉफ्टवेयर के कैप्चा कोड को दरकिनार करके टिकट बुक कर लेता है। आगे देखते हैं स्वनिधि संवाद, प्रमुख बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित करेंगे। किसके माध्यम से? तो स्वनिधि संवाद के माध्यम से। गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने हेतु 1 जून 2020 को स्वनिधि संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह लगभग 378 नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों LCD स्क्रीन लगाई गई है इस संवाद हेतु। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। स्वनिधि संवाद कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थी कौन है? तो स्ट्रीट वेंडर्स, MSME, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र होना चाहिए यहाँ पे, और अकुशल श्रमिक।
आगे देखते हैं YSR संपूर्ण पोषण योजना, प्रमुख बिंदु क्या है इसके, तो 7 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी ने YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना को लॉन्च किया है। इन योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या है, तो स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वह आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा, जहां गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाएगा। यह योजना जो है 77 जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगी तथा योजना में प्रति माह 1100 रुपये प्रति लाभार्थी खर्च शामिल है। यहाँ देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कितना था, तो 102वां स्थान भारत का 102 पायदान पे या दूसरे पायदान पे 102 पायदान पे भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में शामिल है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019, इसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर व प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी का गठन किया गया था। डेविड एटनबरो कौन है, तो अंग्रेजी के प्रचारक व इतिहासकार हैं। इन्होंने BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के लिए काम किया है तथा इन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का कार्य भी किया है। इसके पश्चात देखते हैं कामत पैनल, 7 सितंबर 2020 को KB कामत के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस पैनल का गठन क्यों किया गया था, तो COVID-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के एकमुश्त पुनर्गठन के लिए वित्तीय मानकों पर सिफारिश करना, इस कामत पैनल का गठन किया गया था। पैनल ने ऋण पुनर्गठन के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान भी की है। इसके पश्चात देखते हैं इस पैनल ने क्या क्या सिफारिश की है, तो पैनल ने उधारदाताओं को कुल बकाया देनदारियों, कुल ऋण, वर्तमान अनुपात, औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात पर विचार करने की सिफारिश की है। वहीं रिकास्ट योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैंकों को कंपनी की पूर्व कोविड वित्तीय स्थिति और कोविड प्रभावों पर विचार करना चाहिए। वहीं अंतर लेनदार समझौते को उन सभी मामलों में अनिवार्य किया गया है जिसमें कई उधार देने वाले संस्थान शामिल हैं। आगे देखते हैं कि COVID-19 महामारी ने यद्यपि संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसके कारण संपूर्ण भारतवर्ष में एक लॉकडाउन या बंद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले सेक्टर कौन से हैं, तो कपड़ा उद्योग COVID-19 महामारी से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है। उसके पश्चात है थोक व्यापार, सड़क और इंजीनियरिंग क्षेत्र जो हैं इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। वहीं COVID-19 से अप्रभावित क्षेत्र कौन से रहे, तो कृषि क्षेत्र, फार्मा और IT उद्योग या क्षेत्र COVID-19 महामारी से अप्रभावित रहे थे। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपका कोई सवाल या कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राहुल टीम मंथन की ओर से।